हम देखते हैं गोकू मार्वल यूनिवर्स में आ चुका था और उसकी मुलाकात आयरन मैन से होती है, और दूसरी तरफ दी प्रेजेंस गोकू को अभी भी मारने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसे मारने के लिए बहुत ही बड़ा प्लान बना रहा था जिस बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय दी प्रेजेंस के। और आगे वो क्या करने वाला है और वो इस फाइट में किन किन को बुलाएगा, ये सिर्फ उसको ही पता था। और गोकू इस खतरे से बिल्कुल अनजान था, और वो आयरन मैन के साथ कैप्टन से फाइट करने जा रहा होता है। सब गोकू को देखकर आयरन मैन से कहते हैं, टोनी ये कौन है, तुम इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो, क्या ये बहुत ताकतवर है। टोनी कहता है, क्या ये तुम्हारे साथ नहीं है, मुझे लगा नताशा इसे लेकर आई है। ब्लैक विडो कहती है, नहीं ये मेरे साथ नहीं है, मुझे लगा ये तुम्हारे साथ है। और तभी सब गोकू की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। गोकू ये देखकर कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। आयरन मैन कहता है, सच सच बताना, क्या तुम्हें कैप्टन ने भेजा है हमारी जासूसी करने के लिए। गोकू कहता है, ये कैप्टन कौन है, मैं तो इस बारे में नहीं जानता। आयरन मैन कहता है, तुम बहुत भोले बन रहे हो। गोकू कहते हैं, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, शायद ये वही है जिससे हम फाइट करने वाले हैं। स्पाइडर मैन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, क्या उसने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है। गोकू कहता है, नहीं मैं तो उसे नहीं जानता, मैं तो उसके साथ सिर्फ फाइट करना चाहता हूँ, उन्होंने टीम बनाई है इसका मतलब वो ताकतवर है। स्पाइडर मैन कहता है, क्या तुम सच में उसे नहीं जानते, चलो ठीक है तो तुम हमारी टीम में आ सकते हो। इसके बाद स्पाइडर मैन आयरन मैन से कहता है, कैप्टन ने नहीं भेजा है, ये हमारी टीम में आ सकता है। आयरन मैन कहता है, तुम कुछ नहीं जानते बच्चे, ये मीठी मीठी बात करके हमें फंसा लेते हैं। वॉर मशीन अपना कमाल दिखाओ, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये हमारे साथ है या हमारे खिलाफ। आयरन मैन जैसे ये कहता है, हम देखते हैं वॉर मशीन गोकू पर अपने मिसाइल से हमला कर देता है। गोकू के पास एक बड़ा धमाका होता है और उसके चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। गोकू जैसे उस फायर से बाहर निकलता है, आयरन मैन देखकर चौंक जाता है और कहता है, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी ब्लैक पैंथर गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उन सब के हमले को बिल्कुल भी टॉच नहीं करता है और सीधा खड़ा रहता है। ब्लैक पैंथर अपने पंजों से गोकू पर बहुत सारे हमले करता है, गोकू को एक खरोंच तक नहीं आती। ये देखकर सबके सब गोकू पर एक साथ टूट पड़ते हैं सिवाय स्पाइडरमैन को छोड़ के। गोकू उन सबको एक साथ हमला करते देख कहता है, ये सब तो यहीं पर शुरू हो गए, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी विजन गोकू पर अपनी लेजर से अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली टॉच कर देता है और उस पर अपना पंच करता है। ये देखकर विजन इनविजिबल होने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू इतना तेज होता है कि उसके इनविजिबल होने से पहले ही वो अपना पंच कर देता है, जिससे विजन काफी दूर जाकर गिरता है और एक ही पंच में घायल हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, ये सब उतने ताकतवर नहीं जितना मैं सोच रहा था, इसलिए मुझे अपने हमले को धीमा करना होगा, वरना ये सब बहुत घायल हो जाएंगे और शायद मर भी सकते हैं। जैसे ही विजन घायल होता है, सबकी नज़र गोकू पे पड़ती है और वो ये देखकर और चौंक जाते हैं। ब्लैक विडो कहती है, उसने तो एक ही पंच में विजन को हरा दिया, लेकिन कैसे। हरुनन कहता है, लगता है विजन कमजोर हो गया है, लेकिन मैं नहीं। और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजिली टॉच करता है। आयरन मैन को ऐसा करते देख सब गोकू पर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन गोकू उन सबके हमले को इजिली टॉच कर रहा होता है और अपनी पावर अप करके ही उन सबको काफी दूर गिरा देता है। तभी स्पाइडरमैन गोकू के पास आता है और कहता, तुम कौन हो, तुमने इतनी आसानी से सबको कैसे हरा दिया। गोकू कहता, क्या वो सब हार गए, अभी तो फाइट शुरू हुई थी। तभी आयरन मैन गोकू के पास आता है और कहता, तुम हमारे साथ हो, चलो कैप्टन की धुलाई करते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, पूरा मत मानना, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना। ब्लैक विडो कहती है, टोनी का कोई जवाब नहीं, अगर बात को पलटना है तो कोई टोनी से सीखे। इसके बाद आयरन मैन गोकू से कहता है, तुम खाते क्या हो जो इतने ताकतवर हो, अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे टीम बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब हम उसकी बैंड बजा देंगे। गोकू कहता है, इसका मतलब अब तुम उससे फाइट नहीं करोगे। आयरन मैन कहता है, तुम पागल हो क्या, बाला हम तुमसे क्यों लड़ेंगे, तुम तो हमारे साथ हो ना, दोस्त कभी फाइट नहीं करते। गोकू कहता है, लेकिन मैं वेजिटा से हमेशा फाइट करता रहता हूँ। आयरन मैन कहता है, ये वेजिटा कौन है, जरूर ये बेवकूफ होगा जो तुमसे फाइट करता है, भला तुमसे लड़ना कौन चाहेगा, तुम तो इतने अच्छे हो। चलो बहुत बातें हो गई, कैप्टन को सबक सिखाते हैं। गोकू कहता है, हाँ बस वो ताकतवर हो तो उससे लड़ने में मजा आएगा। ये कहने के बाद वो कैप्टन के पास चले जाते हैं। आयरन मैन जैसे ही उनके पास पहुंचता है, वो कहता है, कैप्टन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बस उसको मेरे हवाले कर दो, मेरी दुश्मनी सिर्फ उससे है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत पछताना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे साथ कौन है। कैप्टन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कौन है, लेकिन मैं तुम्हें बाकी को नहीं दूंगा और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा। आयरन मैन कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहने के बाद आयरन मैन इशारा करता है। आयरन मैन के इशारा करने से ही कैप्टन को बहुत ही पावरफुल महसूस होता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है।
गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे पंच करते हुए किसी ने देखा भी नहीं होता है। वो अपने आसपास कैप्टन को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कैप्टन दिखाई नहीं देता। हॉकाई कहते हैं, ये तुमने क्या किया, कैप्टन कहाँ है? गोकू कहता है, क्या वही कैप्टन थे, वो तो तुम्हारे पीछे है, ध्यान से देखो। वन जैसे पीछे मुड़कर देखता है, उसे कैप्टन दिखाई देता है और वो कहता है, तुमने कैप्टन को मारा। ये कहने के बाद वो बड़ा हो जाता है और गोकू को अपने पैरों से मसलने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपने हाथ से उसके पैर को रोक लेता है और उसे धक्का देकर काफी पीछे फेंक देता है। हॉका ये देखकर कहता है, ये तो बहुत ताकतवर है, और ये कहने के बाद वो अपने एरो से गोकू पर हमला करता है। गोकू उसके सारे एरोस को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, क्या ये क्या बकवास है, और तभी वो सारे एरोस एक साथ फट जाते हैं और गोकू के मुंह पे एक धमाका होता है, पर उस हमले से गोकू को कुछ नहीं होता और कहता है, मुझे तो गुदगुदी लगी, ये तो अच्छा हमला था, मैं इसे बेकार समझ रहा था, तुमने ये कैसे किया? गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से वांडा उस पर हमला कर देती है। ये देखकर बाकी और फैलकन भी उस पर अपना हमला करते हैं और वो सबके सब एक साथ गोकू पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गोकू वहीं पर सीधा खड़ा होता है और वो हिलता भी नहीं। और जैसे उन सबका हमला गोकू को लगता है, गोकू वहां से हिलता भी नहीं है और उन सबको एक ही हमले से ढेर कर देता है। आयरन मैन कहता है, देख लिया अपनी गलती का नतीजा, तुम सब मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते, इसलिए मेरे खिलाफ लड़ना बेकार है और बाकी को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। तभी कैप्टन अमेरिका उठने की कोशिश करता है और वो कहता है, मेरे रहते हुए तुम बकी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आयरन मैन कहता, अपनी हालत देखो, उसने एक ही पंच में तुम्हारी ऐसी हालत खराब कर दी है, और जबकि मेरी टीम बिल्कुल सही सलामत है, अगर मैं चाहूँ तो वो सब तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी अचानक से ब्लैक पैंथर बकी पर हमला कर देता है। कैप्टन अमेरिका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। तभी कैप्टन अमेरिका गोकू के पास जाता है और गोकू से कहते, तुम आखिर हो कौन और हमसे फाइट क्यों कर रहे हो? वो बकी को मार देंगे, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। गोकू कैप्टन की बात सुनकर कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ फाइट करने आया था, किसी को मारने वारने नहीं, और ये बकी कौन है और उसे क्यों मार रहे हैं? कैप्टन कहता है, बकी मेरा दोस्त है और उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके मर्डर करवाया गया है, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब किसी और ने किया था, बस तुम ही हो जो बकी को बचा सकते हो, तो उसकी मदद करो। गोकू कहते हैं, लगता है मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है। ये कहने के बाद वो बकी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन आयरन मैन और ब्लैक पैंथर उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और उसे जैसे ही मारने वाले होते हैं, गोकू उन्हें रोक लेता है और कहता है, तुम उसे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा साथ किसी को मारने के लिए नहीं दिया था, उसे एक मौका दो। मैंने भी अपने बहुत सारे दुश्मनों को मौका दिया है और वो सुधर गए हैं, तो हो सकता है ये भी सुधर जाए। आयरन मैन कहता है, तुम इस बीच में मत पड़ो गोकू, तुम नहीं जानते इसने क्या किया है और मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद वो बकी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से गोकू उसे बचा लेता है। ये देखकर ब्लैक पैंथर गोकू पर टूट पड़ता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजिली टच करता है। आयरन मैन कहता है, तुम उसे नहीं हरा सकते, तो आपस में लड़ना बंद करो, हम ये प्यार से बैठ कर बात कर सकते हैं। गोकू कहता है, इसमें बात करने वाले क्या बात है, हमारी फाइट तो खत्म हो गई और हम जीत चुके हैं, तो चलो घर वापस लौट चलते हैं। आयरन मैन कहता है, तुम कुछ नहीं जानते गोकू, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, बस तुम उसे मेरे हवाले कर दो, बाकी सब हम समझ लेंगे। लेकिन गोकू आयरन मैन की बात नहीं मानता, जिस पर आयरन मैन गुस्से में आकर गोकू पर हमला कर देता है, पर आयरन मैन के हमले से गोकू को कुछ भी नहीं होता। आयरन मैन कहता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। गोकू आयरन मैन के ऊपर अपना हाथ रख के कहता है, तुम जीनियस हो मेरे दोस्त, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं होता, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आयरन मैन कहता है, तुम नहीं समझ सकते गोकू, तुम दिल के काफी साफ लगते हो, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। गोकू कहता है, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, खुद को दोष देना बंद करो, तुमने मुझे जाने बगैर अपनी टीम में शामिल किया। आयरन मैन मुस्कुराता है और कहता है, इसमें मेरा फायदा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। गोकू कहता है, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन तुमने ऐसा किया तो सही। आयरन मैन कहता है, तुम काफी अलग हो गोकू, हमारी काफी जमेगी, पर प्लीज मुझे उससे अपना बदला लेना है, वो मुझे लेने दो। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम काफी जिद्दी हो, तो ठीक है जाओ उसे खत्म कर दो, अगर तुम्हें इससे कुछ मिलेगा तो मुझे भी देना। आयरन मैन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, अगर मैंने उसे मारने की कोशिश की तो तुम उसे बचा लोगे। आयरन मैन जैसे ये कहता है, हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। गोकू ने देख कर कहता है, अब ये कौन है? आयरन मैन कहता है, मुझे भी नहीं पता। तभी वो लोग कहते हैं, हम TVA से हैं और वो तुम ही हो जो दूसरे यूनिवर्स से आए हो और तुमने यहाँ की टाइमलाइन में गड़बड़ कर दी है।
और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तभी उसमें का एक टीवीए मेंबर कहता है, तुम ये क्या बात कर रही हो, हम तुम्हें बस लेने आए हैं गोकू, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो। और तुम्हें ताकतवर वॉरियर से फाइट करनी है ना, हम तुम्हें उससे फाइट करवाएंगे, हमारे साथ आ जाओ। और इसमें तुम्हें काफी मजा आने वाला है क्योंकि तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो। गोकू कहता है, वो तो है, चलो चलते हैं, पर एक मिनट, ये सच है या तुम मुझे झूठ बोल के फंसा रहे हो? वो टीवीए मेंबर कहता है, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस हमारे साथ आओ। गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। और ये कहने के बाद गोकू उनके साथ चला जाता है।